मंच पर हो रहे सूर्यास्त से करते हैं। संध्या काल का आकाश हमें संकेत देता है आने वाले अंधकार का। गुम होते उजाले में टिमटिमाते बिंदु उभरते हैं। जल्दी ही हमें रात्रि का शानदार आकाश दिखने लगेगा। महाकाश के एक कोने में खड़े होकर हम नक्षत्रों से भरे असीम आसमान को देखते हैं, मानो ये हमें आमंत्रित कर रहा हो। अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे कि कुछ तारे जरा बड़े हैं और दूसरों की तरह टिमटिमाते भी नहीं हैं। सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने देखा कि ये तारे एक वक्राकार पथ में आगे बढ़ते रहते हैं। हर रात महीने दर महीने प्राचीन ग्रीक पर्यवेक्षकों की नजर में ये थे घूमने वाले गतिशील ग्रह। अब हम जानते हैं कि ये सुदूर में बसे खूबसूरत ग्रह हैं, जिन्हें रोशनी मिलती है हमारे ही सूर्य से। जैसे जैसे समय गुजरता है पूरा आसमान पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है, लेकिन ये आसमान नहीं घूमता बल्कि हमारी धरती पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिभ्रमण करती है। तारों से सज्जित शामियाने में सिर्फ एक नक्षत्र स्थिर है, ध्रुव तारा यानी पोल स्टार। कोलकाता में ये उत्तरी आसमान में 22 डिग्री की ऊंचाई पर दिखता है। रात के आकाश में इधर उधर बिखरे तारों में हमारे पूर्वजों ने महाकाश की संरचना को समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि एक दूसरे की तुलना में ये तारे पूरे साल लगभग एक ही दूरी पर रहते हैं। आसमान में एक दिशा सूचक सा बनाने के लिए उन्होंने नजदीक स्थित तारों के समूह को लेकर 88 संरचनाएं बनाई और उन्हें काल्पनिक रेखाओं से जोड़ा। मनुष्य ने अपनी विलक्षण कल्पनाओं द्वारा इन बिखरे तारों को जानी पहचानी आकृतियों से बदल दिया, जिन्हें तारामंडल कहा गया। ये प्राचीन नक्शे सदियों तक मानव को दिशा ज्ञान, सामुद्रिक यात्राओं और समय काल के अध्ययन में मदद करते रहे। इन तारामंडलों को लेकर मिथकिया कहानियां गढ़ी जाने लगी और महाकाश पर्यवेक्षकों ने उन्हें मौसम परिवर्तन, बाढ़ और फसलों की बुआई और कटाई से जोड़ना शुरू कर दिया। रात को दिखने वाले तारामंडलों में से सबसे स्पष्ट है काल पुरुष अर्थात ओरायन। तारों को आपस में मिलाकर जो आकृति बनी वो था ग्रीक मिथक का महान शिकारी ओरायन। इस शिकारी की कमर की सिधाई में दिखने वाले तीन चमकीले तारे दुनिया के कोने कोने में महत्व रखते हैं। आज आसमान में दिखने वाले अन्य तारामंडल हैं आर्सा मेजर या ग्रेट बेयर कॉन्स्टेलेशन, जिसे भारत में सप्तर्षि मंडल कहते हैं, कैसियोपिया रानी, टॉरस यानी वृषभ, यानी हंस। तकनीकी विकास के साथ मनुष्य की नजर अब तारों से भी आगे है। महाकाश के अंधेरे भरे असीम और सुदूर इलाकों तक जहां आंखें नहीं देख सकती, हमारी आंखों के सामने खुला पड़ा है पूरा ब्रह्मांड अपनी विभिन्न चीजों और अद्भुत
अकल्पनीय घटनाओं से भरा हुआ ब्रह्मांड। इस ज्ञान के साथ मनुष्यों ने महाकाशीय घटनाओं के जन्म, इनकी अग्रगति और ब्रह्मांडीय पिंडों के विकास को समझने का और रात्रि आसमान में इनके रंग और अजीब मौजूदगी को पहचानने का प्रयत्न किया है। चलिए अब हम चलते हैं अनगिनत विविधताओं से भरे हैरत अंगेज महाकाश में। देखते हैं असंख्य रंगों से भरपूर दृश्य जो वास्तव में पूरे महाकाश का एक छोटा सा हिस्सा भर है। जीवन की संभावनाओं से भरे हमारे ब्रह्मांड की कहानी द कॉस्मिक कोलिजन। महाकाशीय सागर के एक किनारे खड़े होकर नक्षत्र बहुत शांत दिखते हैं। लगता है ब्रह्मांड में सब कुछ अनुशासित है। जब रात के अंधेरे में अचानक ही कुछ नया दिखता है तो हमें हैरत होती है। आसमान में धूमकेतु के आने से हमारे पूर्वज हमेशा आतंकित होते थे।